नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सीएम प्लान ने कलायत वार्ड नंबर 2 पुराना गुरुद्वारा वाली गली के पास घी और पनीर तैयार करने वाली फैक्ट्री पर औचक छापेमार कार्रवाई की। आंगनबाड़ी केंद्र से कुछ दूरी पर स्थित इस फैक्ट्री में कार्रवाई के दौरान संचालक मौके से नदारद मिला। इन परिस्थितियों में फैक्ट्री के एक वर्कर की मौजूदगी में फ्लाइंग टीम इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर राजीव शर्मा और दूसरे कर्मियों ने सैंपल लेने की कार्रवाई की। टीम ने मौके पर पानी की ओदी में रखे गए 200 किलोग्राम पनीर और प्लास्टिक के डिब्बों में संरक्षित रखे गए 120 किलोग्राम देसी घी के अलग अलग नमूने लिए। विभागीय प्रक्रिया को पूरा करते हुए सैंपलों को सील किया गया। सीएम फ्लाइंग इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि विभाग को उक्त फैक्ट्री में मिलावटी घी और पनीर तैयार करने की शिकायत मिली थी। सूचना के आधार पर दबिश की गई। कलायत से हमारे संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। उसको लेकर की जो सामान है वो बेहतर है, उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, इसके लिए आप निकले हैं उसको सुनिश्चित करने के लिए। तो आज की जो कार्रवाई हुई वो क्या आपकी कार्रवाई रही, क्या सफलता मिल पाई? सफलता जी, हमारे को सूचना मिली थी ये टावर वाली गली है वार्ड नंबर 2 में जो ना भाई पनीर बनाया जा रहा है उसमें कुछ मिलावटी सूचना थी कि भाई इसमें मिलावट की जा रही है। उस संबंध में डॉक्टर राजीव शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को हम साथ लेकर यहाँ आए थे। इसका मालिक मिला नहीं हमारे को, उसका नौकर मिला है जी। इसमें यहाँ 200 किलो पनीर और 120 केजी हमारे को घी मिला है। डॉक्टर साहब ने उसके सैंपल ले लिए हैं। सैंपल एक घी का लिया गया सर, एक इसका लिया गया पनीर का। सर जो भी हमारे द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया है, सर्वेक्षण में ये सामने है कि जब भी सीएम फ्लाइंग का या दूसरी विशेष टीमें जब भी शहर में दबिश देती हैं उससे पहले इसी प्रकार की व्यवस्था बनती है कि जो संचालक हैं वो रफू चक्कर हो जाते हैं। कहीं लोकेशन तो सीएम फ्लाइंग की लीक नहीं हो रही ना? ऐसी कोई बात नहीं, लीक वाली कोई बात नहीं है। तो आज की जो कार्रवाई आपकी किन किन जिलों में रही या जिला कैथल में कितने सैंपल लिए गए? कैथल में तो एक जगह आए हैं जी। तो इससे पहले कहाँ हुए? इससे पहले जी हम तो फर्स्ट यहीं आए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।